सो हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सेवो टेक। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पांच सेटिंग भी व्हाट्सएप से रिलेटेड, यानी कि व्हाट्सएप से रिलेटेड जो पांच सेटिंग बताऊंगा वो बहुत लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे। सो जो कुछ लोग नहीं जानते हैं वो भी इस पाँच सेटिंग को जान सकें, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखते रहिए विदाउट स्किप किए। सो गाइस, हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट्सएप की पाँच सेटिंग। व्हाट्सएप की पांच सेटिंग जानने से पहले बता दूं, आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कराना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें ताकि आपको मेरे रिलेटेड वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट। तो रुको, जरा सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। तो व्हाट्सएप ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आपको ये राइट साइड में थ्री डॉट दिख रहा है, ये वाला ये राइट साइड में थ्री डॉट दिख रहा है, हमें इसको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें सबसे लास्ट यानी कि सेटिंग को क्लिक कर लेना, और सेटिंग को क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है अकाउंट, उसे हमें क्लिक कर लेना है। और उसके बाद हमें यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है प्राइवेसी करके लॉक का साइन दिख रहा है, इसे क्लिक कर लेना है। और इसे क्लिक करने के बाद मैं आपको इसमें दो सेटिंग बताने वाला हूँ। सो देखिए, सबसे फर्स्ट प्रोफाइल फोटो में दिख रहा है, इसे हमें क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पे एवरीवन मेरा टिक है। एवरीवन में क्या होता है, एवरीवन में हमारा जो प्रोफाइल फ़ोटो होता है वो हमारे जितने भी व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट लिस्ट होते हैं उन सभी को दिखाई देगा। अगर हम माई कॉन्टैक्ट को क्लिक करते हैं, माई कॉन्टैक्ट में क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे माई कॉन्टैक्ट क्लिक करने के बाद मेरी जो प्रोफाइल फ़ोटो है वो जो मेरे जितने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिस्ट यानी कि नाम सेव है, जिनका नाम ऐड है, उन्हीं को मेरी प्रोफाइल फ़ोटो दिखेगी। और यहाँ पे मैं नोबडी को क्लिक करता हूँ तो नोबडी को क्लिक करने का यानी का मतलब किसी को मेरी प्रोफाइल फ़ोटो दिखेगी ही नहीं। सो है ना ये इंटरेस्टिंग। सो मैं आपको सेकंड दिखाता हूँ। सेकंड यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको फिंगरप्रिंट लॉक दिख रहा है, तो हमें यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट लॉक क्लिक करना है और यहाँ पे हमें फिंगरप्रिंट लगा देना है। सो मेरा फिंगरप्रिंट लगा है, आप अपने फिंगरप्रिंट लगा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको लॉक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ फिंगरप्रिंट मांग रहा है, तो मैं अपना फिंगरप्रिंट दे देता हूँ। फिंगरप्रिंट मेरा क्लिक होगा और यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखता है। यहाँ पे आफ्टर वन मिनट मेरा क्लिक है, यानी कि मैं जब व्हाट्सएप चला के मेरा हो जाएगा और मैं उसको व्हाट्सएप को बंद करके रख दूँगा और उसके बाद भी मेरा एक मिनट तक व्हाट्सएप जो है उस पर फिंगरप्रिंट लॉक नहीं लगेगा। और यहाँ पर मैं इमीडिएटली क्लिक कर देता हूँ, इमीडिएटली सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप चलाने के बाद तुरंत ही व्हाट्सएप वापस लॉक हो जाएगा और वापस फिंगरप्रिंट मांगने लगेगा। तो यहाँ पे आप थर्ड ऑप्शन दिख रहा है आफ्टर 30 मिनट्स, यानी कि मेरा आधे घंटे तक इस पर फिंगरप्रिंट का लॉक नहीं मांगेगा व्हाट्सएप एक बार ओपन करने पर। सो है ना ये भी इंटरेस्टिंग ट्रिक एंड सेटिंग। सो अब बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। सो फ्रेंड्स, अब वापस हमें यहाँ पे ये राइट साइड जो अपर कॉर्नर में थ्री डॉट दिख रहा है उसे क्लिक करना है, यानी कि ये दिख रहा है इसे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें सबसे लास्ट सेटिंग ऑप्शन में वापस जाना है और यहाँ पे हमें सेकंड ऑप्शन क्लिक करना है, यानी चैट। फर्स्ट ऑप्शन नहीं क्लिक करना है, अकाउंट को नहीं, चैट को क्लिक करना है। और चैट को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा दिखता है फंक्शन, यानी कि फर्स्ट जो दिख रहा है डिस्प्ले, सेकंड दिख रहा है चैट सेटिंग। तो चैट सेटिंग को जो ये इंटर इज सेंड दिख रहा है इसे ऑन कर लेते हैं। ऑन तो था ही मेरा पहले से, तो इसे ऑन करने से क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसे ऑन करने के बाद हम किसी को भी मैसेज करते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं किसी को भी मैसेज किया, क्योंकि मैं हाय लिख के भेजा और हाय लिख के भेज दिया, तो आपको मैंने यहाँ से तो भेजा और यहाँ से तो कोई नहीं भेजा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये भी इंटरेस्ट सेंड का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे मैं वापस हाय क्लिक करता हूँ, यहाँ से भी मैं क्लिक करके भेज सकता हूँ, और ऊपर से भी और नीचे से भी। सो ये था ना इंटरेस्टिंग, आपको बार बार इधर क्लिक नहीं करना पड़ेगा, आप यहाँ पर क्लिक करके भी सेंड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हालांकि आपका व्हाट्सअप जो है व्हाट्सअप स्टोरेज फुल हो गया और आप कभी व्हाट्सअप अपना ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे ऊपर स्टोरेज फुल ऑलमोस्ट फुल दिखाता होगा बार बार। सो आप चाहते हैं कि मेरा जो व्हाट्सअप स्टोरेज है वो खाली हो जाए और मैं सभी के जितने मेरे कॉन्टैक्ट हिस्ट्री उसमें से चैट हिस्ट्री जो है वो पूरा क्लियर कर दूँ, यानी कि साफ़ कर दूँ, तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको क्लिक किया और मैं इसका पूरा चैट हटाना चाहता हूँ, यानी क्लियर साफ़ कर देना चाहता हूँ, तो आप इसको थ्री डॉट क्लिक करके यहाँ पे मोर दिख रहा है मोर ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ब्लॉक करना है ब्लॉक कर सकते हैं, क्लियर चैट करना है क्लियर चैट कर सकते हैं। तो भाई क्लियर चैट क्लिक करेंगे पूरा साफ हो जाएगा, और आप चाहते हैं कि पूरा साफ ना हो, यानी कि पूरा क्लियर चैट जो है डिलीट ना हो और आपके कुछ इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैट है उसको आप डिलीट नहीं करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर दूँ, ये मेरा इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट है, मैं इसको डिलीट नहीं करना है,
इसको क्या करना है, जो आपको स्टार मार्किंग दिख रहा है ऐड टू मार्क कर देना है। और यहाँ पे स्टार मार्क ऐड हो गया, और आप इसको क्लियर चैट भी कर देते हैं तब पर भी ये डिलीट नहीं होगा, और ये आपको डिलीट नहीं होगा, आप इसको देख सकते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको ये मैंने जो भी स्टार मार्क किया, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो स्टार्ट मैसेज दिख रहा है इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे स्टार मार्क किया था और यहाँ पे मेरा ये सेव हो गया। मैं अब इसको कभी भी ओपन कर सकता हूँ, डिलीट करने पर भी डिलीट नहीं होगा। यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं इसको, थ्री डॉट क्लिक करेंगे ये नहीं, अनस्टार करोगे यहाँ पे थ्री डॉट क्लिक के अनस्टार ऑल कर दो तो ये सब वापस अनस्टार हो जाएगा। हमें ये नहीं करना है, इसको डिलीट भी करना है तो हमें इसको लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पे देखते हैं डिलीट ऑप्शन, यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे थ्री डॉट को क्लिक करना है, राइट अपर साइड में कॉर्नर में दिख रहा होगा ये वाला थ्री डॉट, इसे क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद हमें सबसे लास्ट सेटिंग ऑप्शन को क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन जो दिख रहा है वाला, यानी कि ये सेकंड ऑप्शन जो दिख रहा है ये वाला, इसको क्लिक करना है, यानी चैट को क्लिक करने के बाद। सो फ्रेंड्स, आपको ये मीडिया विजिबिलिटी का ऑप्शन दिख रहा है उसे क्लिक करना है, यानी कि ये मीडिया विजिबिलिटी का जो ऑप्शन दिख रहा है इसे क्लिक कर लेना है, यानी कि मेरा यहाँ पे मीडिया विजिबिलिटी ऑन है। इसका मतलब कि जो भी मैं व्हाट्सएप पे, मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पे किसी का भी कोई भी फोटो, कोई भी इमेज या वीडियो भेजेगा और मैं उसे डाउनलोड करूँगा, और उसे उस इमेज या वीडियो को डाउनलोड होने के बाद वो इमेज वीडियो डायरेक्टली मेरी गैलरी में शो होगा, और गैलरी में शो होने का मतलब क्या, मेरे फ़ोन का जो स्टोरेज हो तो ऑलमोस्ट फुल हो जाएगा और मेरी गैलरी भी ओपन नहीं होगी और मैं कोई फ़ोटो भी नहीं देख पाऊँगा और अच्छे से मेरी लग जाएगी। तो इसीलिए मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। ऑफ़ करने से क्या होगा, आप कोई मेरे को व्हाट्सएप पे इमेज कोई भी वीडियो भेजेगा और मैं उसको डाउनलोड भी कर लूँगा तब पर भी जो मेरी वीडियो इमेज होगी वो मेरे गैलरी में शो नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, लास्ट एंड आखिरी ट्रिक सेटिंग क्या है, आखिरी सेटिंग देखते हैं। तो गाइस, मैं चाहता हूँ मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में से जिसको भी मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो नंबर है ये हमेशा मेरे को व्हाट्सएप स्क्रीन पे टॉप पे दिखाई दे, यानी कि इसे मैसेज आए या ना आए, कोई भी मैसेज सेंड हो या ना हो, ये मेरे को हमेशा टॉप पे चाहिए और मैं इसे टॉप पे देखना चाहता हूँ, ये मुझे हमेशा टॉप पे ही दिखे। इसे कैसे हम टॉप पे कर सकते हैं तो देखिए, मैं इसको लॉन्ग प्रेस करूँगा, यहाँ पे आपको ये ऊपर यहाँ पे आपको ये बहुत सारी सेटिंग दिखते हैं, ये सब सेटिंग, ये सब सेटिंग के यहाँ पे आपको ये अलग क्लिक कर लेना है, ये पिन ऑप्शन का, पिन ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पिन हो गया यहाँ पे, मतलब ये इसे पिन लोगो आ गया है, और यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन सेकंड रैंक से फर्स्ट रैंक पे चले गया, यानी कि टॉप पे चले गया। अब इसमें कोई भी मैसेज आए या कोई भी मैसेज आए या ना आए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मुझे हमेशा टॉप पे ही दिखाई देगा। तो गाइस, मैंने आपको बताया व्हाट्सएप के 5 सेटिंग के बारे में, और आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, और ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो गाइस, आपको टेक्स्ट से रिलेटेड वीडियो कंटेंट मेरे चैनल पे हमेशा मिलते रहेंगे, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।